हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूँगा। तो दोस्तों, इस ऑडियो में मैंने बीच बीच में अपनी वॉइस दी है और बहुत इंटरेस्टिंग ऑडियो है। यहाँ पे कस्टमर कह रहा है जी मैं दूंगा, 3 महीने चाहिए। लेकिन बाबू जी दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर ये 3 महीने देंगे तो भाई साहब पानी ये देंगे और फल का आएगा कोई और वाली कहानी हो जाएगी। क्योंकि टारगेट तो इनका अब होगा ना, 3 महीने बाद तो किसी और का हो जाएगा वो। तो इस वजह से दोस्तों ये ग्राहक को खराब कर देते हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं क्या क्या बात हुई। हेलो हेलो, हाँ जी सर, एक बार सर से बात कर लो, लाइन पे हैं। हेलो, बात करा दो आप। हेलो, हाँ जी राकेश जी, क्या हाल चाल है? हाँ जी ठीक है साहब। जी जी राकेश साहब, मैं सुशील बात कर रहा था एक्सिस बैंक से। हाँ जी सर। ये एक पर्सनल लोन चला आपका? हाँ जी सर। जी चला ना बैंक के साथ पर्सनल लोन, इसका एक मेरिज भी इशू हो रखा सर। क्या दिक्कत आ रही है? काफी टाइम से कमी नहीं दे रहे, क्या प्रॉब्लम आ गई सर? सर वो फंड की है, कुछ घर में इसको पर्सनल हो गई थी, ऐसे वैसे का दिक्कत, अच्छा। उसी वजह से थोड़ा डिले है। इसको जल्दी करेंगे, सेटल भी करेंगे, जैसे भी जो भी है, जल्दी बात हो रही सर से बात है। हेलो, जैसे भी है जो भी है जल्दी सेटल करेंगे सर, इसको जल्दी खत्म करोगे तो है। मुझे देखो सीधी बात है, इस नोटिस पे अगर एक नोटिस निकला हुआ है, अगर इस नोटिस का जवाब नहीं मिलता, मेरी कंपनी के सुन लो, इसके बाद आर्बिट्रेशन चल जाएगा और आपका चार्ज बहुत ज्यादा लग जाएगा, जो कम पैसा इसे अगर आप नहीं हो पा रहा तो सेटलमेंट करा के क्लोज कर लो, कम से कम में कराते हैं। हाँ तो वही मेरे से तो बात हुई थी पिछले लास्ट मंथ ही बात हुई थी किसी ने। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं लीगल देखता हूँ। एक्चुअली क्या पिछले महीने तक ये केस बैंक के अंदर था सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुचित है। सुचित, मेरे पास परसों कल फोन आई थी सुबह में 11 बजे मोहित जी का। मोहित जी का फोन नहीं आया था कल, मैंने आपको आई थिंक फोन किया था, आपने कहा था मैं हारू, मैं तो 1 घंटे बाद फोन करना। नहीं, इस पे नाम जो आ रहा है, एक मिनट, जिस पर नाम आ रहा है मैं बता रहा हूँ किसका नाम आ रहा है। अभी भी थोड़ा देर पहले फोन उनका आया था। किसका? अभी भी थोड़ा देर पहले फोन आया था उनका मेरे पास, लंच कर रहे थे, चलो उठाए नहीं हम। अभय चौधरी। हाँ तो बिल्कुल सर, ये मेरा ही नंबर गया आपके पास, मैं अभी फोन करता हूँ, इस पर बात करो आप मेरे से। ये अभय चौधरी आप कौन बोल रहे हो? मैं सुचित बात कर रहा हूँ। अभय चौधरी जो है लिखा हुआ है सर, हाँ। ये जो मेरा वैसा नाम है, डॉक्यूमेंट्री नाम सुचित है। अच्छा, ये अलग नाम है सर? नाम सेम है। एक्चुअली क्या होता है ना, हाँ। मतलब बैंक के जब कोई प्रोफेशनल, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है जी, आपको हाँ। नंबर आप जॉब कर रहे हैं, आप वो कंपनी का नंबर दिया हुआ आपको, आप जॉब छोड़ दो तो नंबर दूसरे को लेकर चल जाए। अभय चौधरी जो लीगल देखते थे पिछले महीने तक, वो नंबर उनके पास था, उनका नाम इसलिए आराज में प्रो कॉलर में। अब आप सुचित, अब ये एलिकेटर ऑफिशियल नंबर मुझे दे दिया है, तो इसलिए वो नंबर अभय चौधरी उनके नाम से आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, बताते हैं। एक मिनट रुको। देखो कॉल वेटिंग में जा रहा होगा, कॉल वेटिंग में आ रहा होगा। देखो आप कॉल वेटिंग में, एक मिनट, कॉल वेटिंग में तो नहीं आ रहा कोई भी ऐसा कॉल। 9991 ये नंबर ना आपका है? ये तो मेरा कॉल नंबर है। हाँ तो इस पे मिला रहा ना मैं, आने का कॉल नहीं, इस पे तो नंबर नहीं आ रहा, ये नंबर आ रहा 9811। अरे सर ये तो लड़के ने बात कराई। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको फोन कर रहा हूँ कोर्ट काटने के बाद, बात करो क्लियर, अब करना क्या है वो बताओ, ठीक है जी। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, फोन उठाओ आप। ठीक है चलो। उसको लड़का क्या लेके गया लेटर? लड़के को मैं वही पूछ रहा, लड़का साइड में खड़ा हो जाएगा, नोटिस लेना है या कैसे क्लोज करना है वो बताओ मुझे। आप नोटिस दे दो उसको, खड़ा क्या? आप अवेलेबल हो? हैं? अवेलेबल नहीं है, वाइफ है ना? अरे वाइफ की साइन थोड़ी करोगे, साइन तो आपकी चाहिए सर, ये वो नोटिस है, आर्बिट्रेशन का नोटिस है सर। तो शाम 5 बजे हम पहुँचे, 5:30 बजे घर पहुँचेंगे। अरे 5 बजे घर पहुँचोगे? हाँ ना, 5:30-6 बजे। सोनो हाँ जी सर, एड्रेस देख लिया इनका? एड्रेस यही है सर, 355 मकान नंबर। अच्छा यही है, चलो हाँ। हमें 5 बजे आएंगे शाम को, मैं इनसे भी फोन है बात करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है सर, बता देना फिर मैं दोबारा। ओके ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ जी राकेश जी। हाँ जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, मैं कह रहा था आपसे, आपके जो लोन थे, आपके जो स्टाफ गए थे अभी, वही बता रही फोटो तो खींचा, क्या फोटो खींचने का मतलब है इसमें? हाँ जी, स्टाफ जो है घर का फोटो खींचा, क्या करना फोटो का? मैं बताता हूँ सर, फोटो का मतलब है हम एड्रेस पर गए थे, कस्टमर के एड्रेस पर गए थे हम, तो वो चीजें ना हर किसी की जॉब होती है सर, उसकी भी जॉब है वो लोकेशन, और वहाँ पर खड़े होके कि भाई क्या नाम है, हम इस एड्रेस पर गए थे, उसका ये चीज होता है सर।
तो उसे जब मिलना है मुझसे तो फिर क्या जरूरत है, पीछे सब बोले साहब में मिलना है। सर एक बार बढ़ जाओ वो जरूर थोड़ी हो जाएगा आपके पास, एग्जीक्यूटिव तो और भी है, कौन सा सकता है कौन सा नहीं सर, वो चीज तो एक अलग हो गया ना सर, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है सर, वो कोई भी हो हमारे भी कोई एड्रेस पे लोन लेना ईएमआई लेना आता तो पिक किसके लोकेशन भेजता है सर कि भाई हम गए हुए हैं एड्रेस पे। अच्छा हो गया उनका। हाँ जी हाँ जी। और कुछ काम रह गया उनका? हाँ जी सर उनका काम और भी कुछ है क्या? नहीं 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 कुछ, देखो सर आपसे बात होगी, आपने अपनी समस्या बता दी, आपके घर पे क्यों कोई जाएगा, आपसे मेरी बात होगी ना सर, आपसे मेरी बात कर रहा मैं आपको बताता हूँ सर, आपका जो था लोन 2 लाख का था 26 महीने की ईएमआई बनी थी आपकी, ठीक है जी, उसमें से आपकी 15 ईएमआई पेंडिंग है, 15 ईएमआई पेंडिंग है, 15 ईएमआई का मतलब है 7106 अगर हम कोड करते तो 1,05,000 रुपए आपका पेंडिंग चल रहा है सर ईएमआई अकाउंट के रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। आपका जो लास्ट वाला सप्लीमेंट हो सकता है मैं वो बता देता हूँ सर, लास्ट वाला जो आपका सप्लीमेंट होगा वो आपका 60,000 में हो जाएगा सर। ठीक है चलो ये आपका नंबर ये रखे है, जब होगा तो बता देंगे आपको। होगा मतलब कब तक सर? बताइए जी। ठीक है फंड का कैसे भी होगा कंफर्म करके बताएंगे। कब तक बता दोगे आप? 2 दिन में 2-3 दिन में। अच्छा अच्छा ठीक है कोई इशू नहीं सर, आप एक दो दिन इस महीना नहीं हो पाएगा जो भी होगा अगले मैसेज होगा। नहीं तो आप एक काम करो ना तो कुछ अमाउंट जमा कर दो सर, फिर आपने अभी तो एक पैसे नहीं है पॉकेट में। सर एक बात बताओ आप वर्किंग भी हो पॉकेट में पैसे, तो ये तो इंटेंशन है ना सर, देखो देखो मैंने आपने इसके वजह से पैसे नहीं है सर, आपने आपने समस्या बता दी अच्छी बात, जो आपको बैंक की समस्या दिखानी दे रही सर, हो सकता है सर नहीं आपको बैंक की समस्या दिखानी दे रही सर, ये जो बैंक की समस्या बोल रहा है ये बैंक की समस्या नहीं है, ये इस दल्ले की समस्या है क्योंकि इसका टारगेट नहीं होगा और ये टारगेट करने के चक्कर में ग्राहक को कर देते हैं खराब। जोड़ दिया पैसा लॉन्ग टाइम से नहीं आ रहा ना सर, टाइम से भी दिया मैंने, मैंने कभी आज तक रुका है, 10 साल से बैंक के साथ हम पैसे में हैं। नहीं तो 10 साल से रुके आप जो बताया 10 साल से हो और आपकी हिस्ट्री अच्छी बात है सर, आपने नहीं रुका, आप रुक रहा तभी आपको फोन गया ना सर, आपको अपडेट भी दिया, ऐसा नहीं है वो मेरी बात है। देखो सर सीधी बात ये है, देखो सर 100 बात की एक बात है, या तो आप फाइनली सेटलमेंट करवा लो, तो मैंने आपसे बता दिया एक बार भी नहीं हो रहा तो पार्ट में करवा लो, इसमें हम आपको पार्ट दे देंगे, ठीक है सर। अगर आप पे पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा तो मैं एक काम करूंगा आपको 4 इंस्टॉलमेंट दे दूंगा 15-15 हजार की, 4 इंस्टॉलमेंट 15-15 हजार की, यानी आपका ये जो आप क्या चला जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल 15-24 साल 4 इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, ठीक है जी। और हाँ सुनो 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 सर कम्प्लीटली, अगर आप जो पैसा जमा करोगे जो मैंने आपसे सेटलमेंट की बात करी वो लेस हो जाएगा, आप 4,000 करो 5,000 करो लेकिन कुछ अमाउंट जमा करा दो, बाकी अगले महीने बात कर लेते हैं, अगर नहीं है पैसा। देखो कॉपरेट तभी होता है सर, सामने से आप करोगे तभी तो कर पाएंगे सर, ऐसे नहीं होता ना सर, आप समझदार आप भी पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हो सर, तो ये चीजें ना तभी तभी चीजें होगी। फोन आपके पास पहुंच गया नंबर, फोन कभी भी कर सकते हैं एनी टाइम आप, ठीक है सर, आपके लिए बैठे हुए सर, जो भी कुछ कम से कम होगा वो आपके लिए करेंगे सर, लेकिन थोड़ा सा ये सोचिए। इतना मुझे भी जानकारी है सर, ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हो वो जानकारी नहीं है, मुझे भी जानकारी है, मुझे अपने बारे में पता है सारा कुछ, सब कुछ पता है जी, ठीक है सर जी। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे शौक लगा हुआ है या मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। तो फिर जानकारी है तो जानबूझ के नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम आ रही तो, लेकिन सर टाइम तो दे दिया, टाइम नहीं मिलेगा सर, इसमें आप ये चीज बोल रहे हो भाई मैं टाइम दे दिया, ठीक है अच्छी बात है, आपको आपको हमने भी टाइम दिया सर, आप टाइम मांग रहे हो तो टाइम मांगने से काम नहीं चलेगा ना सर। आप बस इतना कर सकते हैं भाई, नहीं है पैसा अभी आपके पास, आप कह रहे हैं अगले महीने चलो देख लेंगे, अगले महीने देख लोगे तो आप कुछ अमाउंट जमा करा दो सर, नहीं हो पाएगा अभी जमा, तो ये तो गलत कर रहे हैं ना सर, ये चीज तो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा सर, थोड़ा सा बता रहे हाँ जी, बहस करने से कोई फायदा नहीं है ना सर, मैं बहस नहीं कर रहा सर आपसे, तो वही बोल रहे ना जो क्लियर है वो चीज बता, नहीं बहस नहीं कर रहा मैं आपसे सर, जो है क्लियर बताने में फायदा है ना, नहीं क्लियर क्लियर तो आप बहुत दिन से क्लियर तो आप बहुत दिन से बताते हैं, इस तरह नहीं हो पाएगा ना सर, इस तरह तो कैसे करें, इसके पहले आपके स्टाफ की गलती है ना, मेरी गलती नहीं है, क्या गलती स्टाफ की, फोन कर रहा हूँ ठीक है वेट कर रहा हूँ, बता देना क्या करना। अच्छा 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 फिर क्या नाम है, वेट नहीं आया, सुनो सुनो आप कह रहे हैं अभी 15-20 दिन पहले बात हुई थी पिछले महीने आपकी, फोन नहीं आया तो फिर उसके चक्कर में आप क्या नाम है पैसा नहीं दोगे, चलो अभी बात करते हैं। हेलो हाँ जी हेलो, हाँ जी राकेश जी आप बताओ सर, ये आपका अमाउंट जो पेंडिंग चल रहा है करंट में वो चल रहा है 93,000। बताओ सर आप ये लड़का जो मेरे घर पे भेजे हो ये रिकवरी एजेंट किया हुआ है ना सर मेरे घर पे, सॉरी ये जो मेरे घर पे जो लड़का किया हुआ है आपके स्टाफ है रिकवरी एजेंट है ना सर, ये फील्ड एग्जीक्यूटिव होते हैं जो बैंक का पर्सन फील्ड एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा, फील्ड एग्जीक्यूटिव होते सर हमारे, ठीक है जो पार्टी का होता है ना सर, हाँ बिल्कुल सर उनके पास कार्ड वगैरह सब होते हैं, होता तो सर तो वो आप प्रायर इन्फॉर्मेशन भी देना होता है ना सर कि आ रहे हैं मिलने के लिए या कोई भी ऐसा। सर एक मिनट जी,
पहली बात, जब कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, कस्टमर पैसा नहीं आ रहा तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं, उसके एड्रेस पर जा सकते हैं विजिट के लिए, पैसों के लिए। गाइडलाइन के क्या हिसाब है सर कि आप प्रायर इन्फॉर्मेशन भी दोगे ना सर? क्या सॉरी सर, एडपा गाइडलाइन तो प्रायर इन्फॉर्मेशन देंगे उस आपके तो एक बार ना बंदा सर वहाँ से आपको आप एक मिनट आप मुझे मिलूंगा ना आपसे, आप ही रुक जाओ आपसे मैंने क्या पूछा? आपने कहा मैं अवेलेबल नहीं हूँ घर पे, आपने ये कहा ना कि थोड़ी देर कम्प्लीटली सर मेरी कम्प्लीटली बात सुन लो। आपने कहा मैं घर पे अवेलेबल नहीं, आपने कहा 5 बजे आना, आपने ये बोला, मैंने कहा मैंने उसका बोला, मैं ठीक है आप निकल मैं बात करता हूँ आपसे, तब जाके मैं उसे बताता हूँ, ठीक है। पहली बात यह है आप मुझे कोई भी गाइडलाइन लिख के भेज दो कि कहीं आपके घर पे विजिट नहीं कर सकते, अगर पैसा नहीं दे रहा है, बैंक का राइट होता है कि उसके घर पे जाके कस्टमर से मिलो, ठीक है जी? राइट है 100% और जो फील्ड एग्जीक्यूटिव जाता है वो अपना विद कार्ड से ही जाता है, जो बैंक का ऑथराइज कार्ड होता है उसको लेके वहां से जाता है, ठीक है जी? कम्प्लीटली मैं कम्प्लीट कर लूंगा अपना। तीसरी बात यह है, अगर आप पैसा नहीं दोगे, आप पे फोन पे बात करते रहेंगे, आप बोलोगे, आप अगर आप ये बोलोगे कि मेरे घर पे मत आओ, मैं पैसा भी नहीं दे रहा, तो क्या मैं आपके घर पे नहीं जाएगा पैसे लेने के लिए? बैंक ले जाएगा अगर दिक्कत नहीं है। पहली एक मिनट कस्टमर जी, मैं टच नहीं हो रही है तो कस्टमर से अगर टच नहीं हो रही है, कस्टमर नहीं हो रही है, आपसे मेरी बात हो रही है, आपने एक महीने बात करी, 2 महीने बात करी, 3 महीने बात करी, आप पैसा नहीं दे रहे हो, आपके पास कोई नोटिस नहीं पहुंचा हो, पहली बात तो नोटिस लेके गए आपके घर पे, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, एक मिनट दूसरी बात, आपके घर पे जाने पे आपके एड्रेस पे जाके आपको फोन किया, ठीक है? फोन करने के बाद तो आपसे बात हुई है, ऐसा तो नहीं भाई आपका कहना मैं घर में घुस गया हूं, अगर कोई भी जाएगा तो पहला फोन ही करेगा। इसलिए बात नहीं किया है, इसलिए मेरे पड़ोसी को नेबर को दिया है, बोला है नेबर का कॉल आ रहा है मेरे पास। नेबर ने कॉल मिला के दिया है, नेबर ने कही कि ये कहाँ है घर बनता आपका? एक मिनट जो मैं बताता हूँ सर, आपका मकान बंद था, आपका मकान बंद था सर, सुनो आपको कॉल कर सकते ना सर, जैसे अभी कॉल किया। एक बात बताओ सर, पैसा नहीं देंगे जब बैंक के 10 आदमी जाएंगे तो और पड़ोसी नहीं देख रहे? जब बैंक का पर्सन जाएंगे वहाँ पर, आप पैसा नहीं दोगे, आपको ये चीज तो लग रही है कि पड़ोसी से फोन आया आपके पास, आप पैसा दोगे घर पे नहीं जाएंगे आपके? तो घर पे जाएंगे तो घर पे हल जाकर के किसी पड़ोसी को बोलेंगे सर? नहीं, किस पड़ोसी का बोलेंगे? एक मिनट रुक जाओ आप कहीं भी किसी कंपनी में जा रहे हैं, आप एड्रेस पूछोगे किससे या कुछ ही पूछोगे, भाई ये कहाँ है, ये कंपनी बंद चल रही है, किससे पूछताछ तो करोगे ना आप सर? आप किसे पूछताछ तो करोगे ना? जब उससे बोला है भाई साहब इनके, एक मिनट रुक जाओ, जब आपसे बोल रहे घर ताला लगा हुआ घर का, अगर ताला खुला होता तो जब पड़ोसी का फोन आता तब तो आप ये चीज बोल सकते हो, ये अलग मैटर हो गया। अब जैनवर बात की जाए सर, वो बेटर है। अब आप इसमें सर सुनो, मुद्दे की बात यह है, अब आप क्या करना चाहते हैं इसमें वो बताओ सर मुझे। सर मुझे सेटल नहीं करना होगा क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, लग गया इसमें वो तो। अच्छा, ठीक है जी, ज्यादा नहीं है, अब जो है सेटल ही करेंगे। अच्छा, लगे हुए हैं जैसे भी है, 2-3 महीने का टाइम चाहिए होगा। एक दिन का भी टाइम नहीं मिलेगा सर, एक मिनट रुक जाओ 2-3 महीने का टाइम, ये रूल और नियम में लिखा हुआ, जो मुझे रूल और नियम बता रहे कहाँ लिखा हुआ? 2-3 महीने का टाइम नहीं होगा, पेमेंट नहीं दोगे बैंक कुछ नहीं करेगा। सेटलमेंट करें आप बताओ? नहीं, आप नोटिस भेज सकते हो, लीगल नोटिस कर सकते हो सर, उसको लीगल तो। अरे बॉस पहली बार थोड़ी आया, लीगल नोटिस तो घर पे से ले गया, इससे पहले भी लोगों नोटिस लिया कोर्ट में, क्यों आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर? इससे पहले भी नोटिस इशू हो चुका आपका, तो कहाँ है वो? आपके घर पे गया नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ सर, ये फिजिकली विजिट इसलिए हुई है क्योंकि मोस्टली कस्टमर यही बोलते हैं उसके घर पे जाने के बावजूद भी नोटिस, कि हमारे घर पे नोटिस आया नहीं है, आपके साथ इशू नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ सर, आपके पास और आपसे जो कह रहे हो किस पोस्ट से भेजे है, किस डिलीवरी से भेजे है, आपके पास मेल पे भी जाता है, मेल आईडी यूज करते हैं कस्टमर के पास, ऐसा नहीं है कि भाई पोस्ट से जाएगा, आपके पास मेल आईडी यूज करते हैं आप? हाँ, मेल आईडी यूज करते हैं। चेक करा आपने कभी? हाँ चेक किया है। आप कोई नोटिस नहीं मिला आपको मेल आईडी पे? मेल आईडी पे लॉगिन नहीं कर रहे, ऐसा नहीं आई है सर। कब चेक किया था आपने? मैं डेली चेक करता हूँ। अच्छा, आपके पास सेकंड नोटिस है, मेरे पास थोड़ा सेकंड नोटिस का मतलब जानते हैं सर आप? पहले नोटिस का आपने डेली चेक, मेल जो है ना, मेल तो मेरे पे काम। देखो राकेश जी, बात ऐसा है, मेरी बात सुनो इस बहस वाले मुद्दे को निकाल के, ये केस अब आपका आगे राइट ऑफ में जा चुका, और राइट ऑफ की बताता हूँ क्या वैल्यू होती है, वो पहले मेरी कंप्लीट सुन लो आप। राइट ऑफ में अगर आपका इस महीने पेमेंट नहीं होता तो इसमें 23-42% चार्ज, यानी कि लमसम जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एनपीए से अंदर राइट ऑफ में हुआ है, तो अभी आपका मान के चलो 94,000 रुपए है, तो ये चार्जिंग मोर देन अमाउंट लग जाएगा, मोर देन अमाउंट आपका हो जाएगा, ठीक है? एक मिनट कंप्लीट सुन लो सर, मैं आपसे देखो बहस वाली मुद्दे बात है, आप एक कस्टमर हो, समस्या जब भी समझ जाएगी, अगर आप मुझे ऐड दिखाओगे तो वो गलत है सर। आप मुझे सोचोगे कि भाई भाई साहब मैं बहुत बड़े आपके पर्सनल से आपसे लिए नहीं है ना जी, मुझे नहीं, आप जैनवन वाली बात रखो,
सुनो सर, जनवरी आपकी दुश्मनी है जो आपने, नहीं नहीं बिल्कुल, सर मैं पर्सनली निकाल रहा हूँ आपको, नहीं मैं आपको कोई गलत बोल रहा हूँ, मैंने आपसे कोई गलत बात करी सर, अभी तक मैंने ऐड के तो नहीं बोला आपको, नहीं आप कंप्लीट, ये नहीं, या तो आप अपनी कंप्लीट कर लो या सामने वाले सुन लो, आप अपनी कंप्लीट करो सर पहले, नहीं बोल रहा हूँ सर, आपने जो बोला नहीं अभी तो मैं सर करके बोल रहा हूँ ना, मैं कभी ऐड, सर नहीं नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपनी कंप्लीट कर लो, आप अपनी कंप्लीट करो सर, तो सर मैं बोल रहा हूँ मैं ऐड के क्यों बोलूँ आपसे, आपसे क्यों मेरे पर्सनली कुछ ऐसा है, आप अपना वर्क कर रहे हो, अब आप मेरी सुन लो, आपकी लास्ट पेमेंट आई थी अगस्त 2022 में, ठीक है जी, सितंबर दे दिया आपको, उसके बाद आपको क्या दिया, अक्टूबर दे दिया, नवंबर भी दे दिया, दिसंबर भी दे दिया, ठीक है जी, दे दिया आपको, आपका कोई पैसा नहीं आया, एनपीए से राइट ऑफ हो चुका है, राइट ऑफ में बैंक कार्रवाई करता है सिर्फ जाके राइट ऑफ में कि जो कस्टमर पूरा टाइम दे देता है ना, 4-5 महीने आपने नहीं दिया, अगर आप पे पैसा नहीं बन पा रहा था तो एटलीस्ट ऐसा भी हो सकता था एक ईएम अमाउंट जमा कर सकते थे, लेकिन आपने एक ईएम अमाउंट जमा नहीं करा, और अगस्त में भी आपने ईएम अमाउंट पूरा नहीं दिया था, आई थिंक 4,500 रुपए आपने पे कर रखे, ठीक है जी, 4,500 रुपए 3 अगस्त को आपने पे किए थे जो आपके अकाउंट से आए, डेबिट हो गए जैसे भी है, ठीक है जी, ईसीएस के द्वारा, लेकिन आपने यहाँ पर उसके बाद ना सिंगल अमाउंट की ईएमआई दी, अगर प्रॉब्लम है, अगर आप टोटल अमाउंट आपकी देनदारी बन रही स्टैंप पूरा अमाउंट की, ठीक है जी, जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपकी ईएमआई का अमाउंट नहीं, अगर इनकेस दिक्कत परेशानी थी, आप कह रहे मेरी लास्ट मंथ बात हो रही थी, अगर बैंक के पर्सन से आपकी बात हो रही थी, क्यों नहीं भाई साहब आपने ईएमआई अमाउंट पे किया, उससे पहले भी बात हुई है मेरी, ऐसे पहली बार बात हुई है, उससे पहले भी फोन आया है मेरे पास, सुनो वो फोन आया होगा, हमने क्या कहा, जब एनपीए से राइट ऑफ में हो चुका है, अब वापस तो एनपीए में जाएगा नहीं, रिवर्स तो होगा नहीं, अब राइट ऑफ का मतलब होता है कि आपका ये अमाउंट बनेगा, आप ये अमाउंट पे करो तो आपको एक फोरक्लोज लेटर मिलेगा और ये मैटर आपका क्लोज करो, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसमें आर्बिट्रेशन चलता है, आर्बिट्रेशन के अंदर बताता हूँ, आर्बिट्रेशन के अंदर पहले नोटिस निकलता है, नोटिस में अगर आप कोर्ट में आते हो, अगली बात रखते हैं, आपका एक सेटलमेंट हो जाएगा, अगर आर्बिट्रेशन निकलता है आपका, आर्बिट्रेशन में सेटलमेंट जो होता है केवल बैंक 10% वेवर देता है, मान के चलो आपका 1,00,000 रुपए तो 10% का मतलब है 90,000 रुपए को पे करने पड़ेंगे, 10% वेवर देगा आर्बिट्रेशन के बाद, क्योंकि उसमें चार्ज वगैरह मोर देन वैसे भी आपके लग जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अभी क्या है, अभी ये चीजें है कि आप बताओ, या तो आपको ईएमआई अमाउंट पे करो अगर सेटलमेंट के अंदर जाना चाह रहे हो, तो बताता हूँ कम से कम में क्या हो सकता है। सेटलमेंट का मतलब होगा कि आपका देखना पड़ेगा कितना आपने पे किया, कितनी ईएमआई थी, कितना आपका पेंडिंग चल रहा, वो सारी चीजें मैं देख के आपको कंफर्म करूंगा आपको कि आपका कितने अमाउंट सेटलमेंट आ सकता है, या तो आप अपनी ईएमआई अमाउंट पे कर दो अगर पॉसिबिलिटी नहीं सेटलमेंट, और सेटलमेंट पॉसिबिलिटी तो वो बता देता हूँ, उसमें आप 2 या 3 पार्ट पे कर देना कम से कम आपका जो हो सकता है, अब आपकी मर्जी, अब आप फाइनल करोगे अगर चाहते सर। सर जितना आप जो बता रहे हो ना, इतना तो मुझे भी जानकारी हो गई है सर, बैंक का लोन हम भी लिए हुए हैं, बैंक वालों से दोस्ती है, अच्छी बात है, दोस्ती करें, जी जी बिल्कुल, तो बैंक वाले सुनो, मैं बैंक सर, अगर मैं बैंक में, अगर मैं दोस्ती, एक मिनट रुक जाऊंगी, अगर मैं बैंक में हूँ, एक मिनट सुनो, अगर मैं बैंक में हूँ, मैं पैसे लेकर बैठ जाऊँ, बैंक वाला दोस्ती मुझे बहुत पता, मुझे बचा लेगा कोई, नहीं बचाएगा नहीं, लेकिन वो भी इतना पता है कि मुझे आज ही कैसे करना है, क्या करना है, इतनी नॉलेज तो हम भी रख लेते हैं सर, अच्छा तो जानकारी ले लेते हैं ना सर कि कैसे अच्छा, करना है, इसको मुझे भी सेटल करना है, ये मैंने बात किया हुआ बैंक में, मुझे इसको बैंक बात नहीं करेगा सर, बैंक बात नहीं करेगा, लाइन पे लो जिससे बात कर रहे हो आप, आपको इसको हैंडल कर रहा हो सर, लाइन किससे ले, नहीं आप कह रहे हो मेरी बात की, लाइन पे लो मेरे साथ, मैनेजर से बात किया, बैंक के मैनेजर से, मैं बता रहा हूँ मैनेजर को, लाइन पे लो, अरे सर मेरे साथ लाइन पे लो ना मैनेजर को, मैंने लाइन फोन नंबर थोड़ी लेकर रखा हूँ पर्सनली, नहीं आप कह रहे हैं मैनेजर को तो पता लगेगा आपको मैं क्या चीज हूँ, तो मैं तो जाकर पर्सनली मिला हूँ ना सर, तो आप मिले हो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपको टाइम दे दिया ना सर, आप फिलहाल पेमेंट की बात है, या तो आप ईएमआई अमाउंट जमा कराओ, सेटलमेंट कराओ, दो चीज बोल रहा हूँ मैं आपसे, मैं तो आपकी बात रख रहा हूँ, आप बताओ सर, सेटलमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, ठीक है जी, ठीक है, अगर सेटलमेंट टाइम लगेगा तो ईएमआई अमाउंट आप हमने जमा करा दो आज के डेट में, ईएमआई का नहीं, आज तो नहीं हो पाएगा, सैलरी अभी तक आई नहीं है, तो कहां से सैलरी भी आ रही है, कट के आ रही है, तो सर सुनो सर, ऐसा कहीं लिख के दिया था आपने कि जब आप मेरे बहुत पिच आउट कर देते कि भाई साहब ये रूल है वो रूल है, आपने कहीं लिख के दिया था कि सैलरी नहीं आएगी या कट का आएगी, मैं क्या पैसा नहीं दूंगा, जो आप कर रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ डिपार्टमेंट में आप वर्किंग हो, आप पैसा देने के लिए रेडी नहीं हो सर, ये क्या मतलब हुआ सर, सर जब पैसे थे तब तो देते जा रहे थे, कोई मना नहीं किया सर, पिछले 4-5 महीने से पैसा नहीं आया ना सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर, प्रॉब्लम चल रही इसी वजह से नहीं हुआ ना सर, तो सर बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम है कोऑपरेट को किया आपके साथ, आपको टाइम तो दे दिया सर, ये भाई साहब जो कह रहे ना कोऑपरेट किया टाइम दिया, तो हाँ जी मैं बताता हूँ कैसे कोऑपरेट किया, ग्राहक को धमकाया, डराया, अब्यूज किया, हरेसमेंट की, उसकी माँ बहन एक की, फिर ये कहते हैं जी मैंने टाइम दे दिया, अभी ग्राहक बड़े प्यार से बोल रहा है जी अभी है नहीं, 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन 2-3 महीने में इनके टारगेट की तो माँ छूट जाएगी,
तो ये टाइम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि इनकी सैलरी तो उसी हिसाब से बनेगी कमीशन पे। नहीं किया अब कैंसिल कर दिया। अब आप अपने मन से सोचो लोगों की मैं इसे जाके 3 महीने में पे करूंगा तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा सर, ऐसे थोड़ी हो जाएगा सर। सर कैसे करूं? तो सर अरेंज करो, अगर आपको सेटलमेंट पॉसिबिलिटी नहीं है, देखो सेटलमेंट भी इतना लंबा छोड़ा नहीं होगा, सेटलमेंट में भी कम से कम हो जाएगा फिलहाल, ठीक है। लेकिन अगर आप ईएमआई अमाउंट जो आपका अमाउंट है 7,000 समथिंग, कितने का अमाउंट आपको मैं देख देता हूँ, ईएमआई अमाउंट कितना सर? 7,004 रुपए का। हाँ जी, ये अरेंज करके ये अमाउंट जमा कर दो। अगर आपको टाइम चाहिए फरवरी में, आपका जैसे नेक्स्ट मंथ आपका फेब आ गया, फेब में नहीं दे पाए कोई इशू नहीं, आपको लगता है कि मार्च में मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मार्च में एनपीए देने से, एनपीए के बाद तो ये पैसा देने से कोई फायदा नहीं है, जो भी है सेटलमेंट कई होगा ऑप्शन है। और इसका तो सर आप एनपीए होने के बाद सर राइटों में जाने के बाद पैसा देने का फायदा क्यों नहीं है आपका? लैस होगा, मेरा लैस होगा सर। हम तो मैंने मना तो नहीं किया, मैंने तो ये बोल रहा कि सेटलमेंट करवाना मुझे। एक बात बताओ सर आप, एक बात बताओ, एक सेक्शन सुनो। आज आपका 94,000 आ रहा है, मान के चलो आपकी मेरी सेटलमेंट की बात होगी 60,000 रुपए की, ठीक है जी, होगी 60,000 रुपए की बात होगी भाई। मैं तीन कोई इन बाबूजी को बताए आर्बिट्रेशन वाले साहब को कि भाई साहब 94,000 है, 5,000 रुपये में सेटलमेंट होगा, बहुत ज़्यादा हो गया तो 10,000 रुपये में, क्यों बंदा 60,000 देगा बाबू जी? इंस्टॉलमेंट पे करूंगा या दो में करूंगा बात होगी। सपोज करो यही अमाउंट बढ़ के आपका अगले महीने राइट ऑफ लगे 1,70,000 या मान लो जो कोई 1,20,000। अच्छा। एक मिनट कंप्लीट। 1,20,000 तो 1,10,000 जो भी अमाउंट आपका राइट ऑफ के चार्ज लगते रहे, मैंने आपसे पहला राइट ऑफ के चार्ज वेरी हाई होते हैं, उसके बाद भी सप्लीमेंट अमाउंट आपका 90,000 आएगा, मान के चलो 1,30 बन गया तो आएगा 90,000 रुपए, तो उस चीज में बेनिफिट होगा या करंट की डेट में अगर आप सेटलमेंट करते हो उसमें ये अमाउंट बन रहा उसमें बेनिफिट है सर? जो अमाउंट आपका अभी पेंडिंग है, जो अमाउंट बढ़ जाएगा उसमें बेनिफिट है, आप बताओ। अब एक बात सोचने की, एक अमाउंट आपका ना आपका अभी मान के चलो 94,000 रुपए है, एक सेटलमेंट अमाउंट सर बैंक करता है टोटल आउटस्टैंडिंग पे है। एक मिनट मैं कम्प्लीटली आपको बताता हूँ सर। आपको शायद जिसे आधा दूर जो डॉक्टर होते हैं ना, आपको डॉक्टरी लाइन में हो आप, हमें बहुत कम ज्ञान होगा सर, हम मेडिसिन लेने लगे हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ चीज की, हमें बता रहा हूँ कैसी हमारे नुकसान कर सकती है, इसलिए आप मुझे ना समझाओ, मैं बैंक की लाइन। बाबूजी आप सही कह रहे हो, लेकिन आपकी जो लाइन है ना रिकवरी वाली, ये भाई साहब चलती है फ्रॉड पे है। आप जब तक उसको नहीं कहते होगे ना फांसी लग जाएगी, तब तक वो डरेगा कैसे और पेमेंट कैसे देगा? आपने यहाँ पे बता दिया जी 42% का चार्ज लग जाएगा राइट टॉप में, ये हो जाएगा वो जाएगा, और वो आर्बिट्रेशन में चला जाएगा तो 90% देना पड़ेगा। अगर बाबू जी ऐसा कोई नियम हो ना, कानून हो, तो आप लोग 10% पे सेटलमेंट ना करें अगर 90% निकालने की कैपेसिटी रखते हैं तो। ये डराना बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। बैठा हुआ हूँ तो जिससे तुमने मिले हो या अधूरा तुम्हें ज्ञान दिया हो तो पूरे ज्ञान के बाद मेरे सुन लो। राइट ऑफ होने के बाद आज आपका 94,000 रुपए है, 94,000 में 60,000 में लेटर आ रहा, अगली बार जब चार्ज लगेंगे तो उतने हिसाब से आपका सेटलमेंट अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, तो उसमें आपको लॉस है या बेनिफिट है मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ सर। मेहनत की कमाई है, आप भी इस मैटर को कैसे करके पे करोगे मैं ये भी समझ सकता हूँ, अगर दिक्कत परेशानी आई तभी आप पैसा नहीं दे रहे ये भी समझ सकता हूँ, लेकिन सर कैसे दोगे आप बताओ सर? सेटलमेंट करेंगे ईएमआई बेसिस पे देंगे, सेटलमेंट करेंगे ईएमआई के उस पे देंगे। हाँ तो अमाउंट आप भी चाहोगे ना भाई कम से कम मैटर क्लोज हो जाए, मेरा कहने मतलब वो है हर कोई चाहता है, ठीक है। सेटलमेंट के लिए तो लास्ट टाइम मेरे मन था फोन आ गई थी पुनीत जी का था, उनका फोन आया था कि जी सेटलमेंट कराना है 27/28 से। अच्छा जी सेटलमेंट, हमने हाँ जी बता दो ना, फिर उसके बाद उन्होंने बोले ठीक है मैं आपको फोन करके बताऊंगा, फिर उनका फोन का इंतजार करते रहे कि कब तक बताएंगे, क्या बताएंगे, कितना बताएंगे। उन्होंने तो मुझे कुछ और ऑफर भी दिया था कि जो भी हो सकता कोशिश करेंगे उतना कम से कम हम करा दें आपका। अच्छा। चलो जी आप बता देना क्योंकि मुझे भी थोड़ा फंड की प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम भी करेंगे, देखेंगे कोशिश करेंगे जी जी। बाबू जी कह रहे हैं जी सफा हो गए, पुनीत जी कहाँ गए? तो भाई साहब जैसे पुनीत जी सफा हो गए ना, वैसे आप भी सफा हो जाओगे आने वाले 20 दिन बाद या 15 दिन बाद। फिर कहाँ गए पुनीत जी? पुनीत जी फिर इसका कॉल नहीं आया, सफा हो गए ना सर? कॉल नहीं आया, कॉल आएगा भी नहीं पुनीत जी का कॉल। जो जो इंसान का नाम है अपने बेस पे, हमारे पास फीडबैक होते हैं किसने क्या डाल रखा है बोस, मेरे पास सारे फीडबैक है किसने क्या बात हुई आपकी और क्या चीज है। जो ये चीजें होती ना कि भाई हम इतने में कर देंगे इतने में करा देंगे, बहुत आते हैं हमारे पास ऐसे बहुत कस्टमर है कि कस्टमर हमारी तो जो बात हुई थी सेटलमेंट की, मैं बताता हूँ बैंक में जो मिलने आते हैं सर, कि 1,00,000 रुपए था आपसे बोला कि 40,000 रुपए दे दो, हमने दे दिया मगर लेटर दिखाओ, लेटर उनके पास है नहीं कि आपके कोर्ट से आएगा बाहर कोरियर आएगा, लेटर तो हमारे पास है नहीं जाएगा तो मुझे सेटलमेंट का ऐसा हम भी थोड़ी दे देंगे सर जब लेटर। नहीं मैं आपको बता देता हूँ सर, तब बता उन्हें भी तो आएगा सर, एनपीए के अंदर मेरी बात सुनो, एनपीए
मेरी बात सुनो, एनपीए के अंदर जो लास्ट में आप सेटलमेंट की बात करते थे वो सेटलमेंट के बावजूद भी एनपीए में सेटलमेंट जो होता है ना उसमें कुछ भी वेवर नहीं मिलता। वेवर का मतलब जानते हैं सर आप, उसमें अच्छा। आपको जैसे कि आपका 94,000 रुपए ज्यादा वो आपको 14,000 में छोड़ जाते थे, 80,000 में आपका मिनिमम। ये जो भाई साहब इनका ज्ञान अच्छा लग रहा है मुझे, एनपीए में जो सेटलमेंट होता है वो 94 में से 14,000 छोड़ देता, 80,000 देना पड़ता। वही वाह, तालियां नहीं बजा पाऊंगा लेकिन तालियां बजाने वाला समझो, मैंने इनको बहुत बढ़िया शाबाशी दी। सेटलमेंट होता ही होता सर, ठीक है, वो कहने की बात अलग है कि आप बोलो हाँ सर इतने में करा देंगे, आपसे बाद में ये बोलते कि आप पेमेंट जमा करा दो सर इतने बेस पे और इतने पे ये हो जाएगा, तो वो चीजें ना वो चीजें कस्टमर बहुत सारे फेसिंग करके आ चुके हैं। एनपे के अंदर यही चीज होती है कि विवरण नहीं देता। अब ये राइटों में क्या, राइटों में चार्ज ज्यादा लग जाते हैं, इसलिए उसको नोटिस भिजवा दिया, उसके हाथ से गया हुआ नोटिस लेके। भाई साहब आप चूतिया किसे बना रहे हैं, आजकल जो कस्टमर है ना वो थोड़ा पढ़ लिख गया है, समझ लेता है चीजों को। राइट ऑफ और एनपी बाबूजी सेम चीज होती है। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो का लिंक आप तक पहुंच जाए ताकि आपको पता लग जाए। राइट ऑफ एक तरीके का कस्टमर का वर्ड है जो कस्टमर को बताया जाता है कि जी राइट ऑफ हो गया, और एनपीए बैंकिंग का वर्ड है जो कि आरबीआई को बताया जाता है कि एनपीए हो गया। ये बाबूजी तो भाई साहब अलग ही कॉलेज से पढ़ गया है। सॉरी, जो लड़का मेरे घर पे गया है वो नोटिस लेके गया है। बिल्कुल, वो नोटिस है, रिकॉल नोटिस बोलते हैं उसको रिकॉल नोटिस मिलते हैं। हाथ में नहीं है उसका, बैग में होगा। बैग में है ना? हाँ जी, शाम में मुझसे मिलेगा वो। अच्छा, नहीं आप बोला ना शाम में मिलने के, शाम में मिलेगा सर। सामने आपने कहा है, मैं उसे देखो, आप वो गया फील्ड का है, ठीक है, जरूरी थोड़ी वो फील्ड में वहाँ पर ही अवेलेबल होगा, वो तो हमें प्लान बनाना पड़ेगा। मैं आपसे बात करूंगा कि आप किस टाइम मिलोगे या कहाँ, हो सकता है आपका कोई ऑफिस एड्रेस, मुझे ऑफिस एड्रेस दे दो आप अपना, ठीक है। नहीं वो एक अलग मैटर है, आप दूसरे मैटर में घुसे जा रहे हैं। मैं आपसे फिलहाल बोल रहा हूँ कि इस मैटर को क्लोज करना है इस महीने, वो बताओ ना सर। तो भाई साहब वो अलग मैटर है और बाकी में अलग मैटर है। क्यों अलग मैटर है? क्योंकि उस मैटर का मतलब, उसका मतलब दोस्तों फील्ड विजिट हो रही है यहाँ पे, कि फील्ड विजिट का जो मतलब था वो सिर्फ आपको डराने का था कि हाँ जी हमारा बैंकिंग का बंदा या फिर रिकवरी एजेंसी का बंदा आपके घर पे पहुंच सकता है या हम आपके घर पे पहुंच सकते हैं, और उसका जो मकसद था वो तो यही था सेटलमेंट। सेटलमेंट भी ना कहें तो दोस्तों पेमेंट, जो कि आप टॉर्चर कर ही रहे हो। यहाँ तो शायद थोड़ा सा ग्राहक कम वो ले रहा है, वरना भाई साहब आप कर लो लीगल, जब होगी मैं खुद अप्रोच कर लूंगा। लंबी बात हो गई सर, किसने बोलो सर पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा। एक सेटलमेंट का अमाउंट बताऊं आपको क्या हो सकता है, अगर पॉसिबिलिटी है पार्ट में कर देना, पार्ट में कर देना सर, एक महीने में पॉसिबल नहीं तो दो पार्ट में कर देना। बताओ, रुको एक मिनट, देखो सीधी बात है, कस्टमर से कभी भी कोई बैंक रिलेशन भी करना चाहता सर, ठीक है जी, चाहते रह गए रहो, और यही चीजें होती है। और आपकी बात, आपने जो एक बात कही थी ना मुझे कि पर्सनली, बिल्कुल नहीं सर, आई थिंक बैंक को देखा जाए, मैं बैंक नहीं, बैंक तो प्रोफेशनल होता, पर्सनली हम आपके काम आ सकते सर, हम ही आपके लिए कम से कम कर सकते सर। मेरा डिटेल खोल के देखोगे ना, इससे पहले 3 लोन दिया जो टाइमली से टाइम से पहले पे किया हुआ है, जो डिटेल बोल रहे हो खुला हुआ है, खोल कर देखते हैं तो देख लो जी। बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड भी था आपका, क्रेडिट कार्ड भी था जिसका पेंडिंग चल रहा आपका, 1,87,544 रूपए, ठीक है जी, क्रेडिट कार्ड भी तो था आपका। चलो आप आगे बताओ, ठीक है, और एक लोन था अभी आपको बताता हूँ हिस्ट्री, जिसका 14/6/2021 में वो बंद हो चुका था आपका लोन, 3780 वाला। आपको सही कह रहे, आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी बोल रही है इस टाइम। एक मिनट बुझाओ, एक मिनट, जब वक्त खराब होती है ना, कब किसका वक्त खराब हो जाए कोई नहीं जानता है सर। बिल्कुल, वक्त खराब हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि बैंक हेल्प तो कर सकता है सर। सर समय खराब आए ना, देखो सीधी बात ये है सर, बैठे हुए कुत्ते उसको, आदमी को कुत्ता काट लेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है सर आपके, समय के तो भाई किसी की नहीं पता, समय तो किसी का नहीं पता, आजकल कौन पैसे वाला किसका चला जाए इस टाइम, वो बिल्कुल डेफिनेटली। आपने बहुत जेन्युइन बात कही सर, उसकी बहुत जेन्युइन बात करी आपने। भाई साहब ये तो कोई वीआईपी कॉलेज से ही पढ़े होते हैं, पढ़े हुए लग रहे हैं भाई साहब,
जेन्युइन बात नहीं होती भाई साहब, जेन्युइन होता है। ठीक है भाई साहब, अगर आप ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो जेन्युइन नहीं होता, जेन्युइन होता है। 15 कितने महीने की ईएमआई बनी थी सर आपकी? हेलो, हाँ कितने महीने की ईएमआई बनी थी सर आपकी? पता नहीं, डिटेल तो आपके पास होगा, आप देखो ना। अरे सर एक मिनट रुको, पैन कार्ड खुल नहीं रहा, मुझे बताओगे ना फिर थोड़ा सा? यहाँ पे आप सुन रहे होंगे बैंकर नहीं खुल रहा और पीछे से आवाज आ रही है कर लो खोल लो। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इनको ये एजेंसी से हैं बाबू जी, और इनको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है जिन पे इनका पूरा ऑफिस चलता होगा, या फिर हो सकता है कि 4-5 लोग एक ही आईडी से काम करते होंगे। तो वो आईडी दूसरे भाई साहब ने खोल रखी थी, उन्होंने बंद करके कि तुम खोल लो खोल लो। डिस्ट्रीब्यूटर लोन 2 लाख अमाउंट 7106। तो यहाँ पे ये भाई साहब कैलकुलेशन करते करते निकल लिए, इनकी कैलकुलेशन ही नहीं हो पाई जो ये ग्राहक को बता पाए। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी जो मैंने बीच में इनपुट की है अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।